नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल टीम 11 प्रोडक्शन में। फ्रेंड्स, अभी हम बात करने वाले हैं श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में होने वाले T20 सीरीज के पहले मुकाबले के लिए। तो फ्रेंड, ये गेम खेला जाने वाला है कोलंबो पॉलेक्ले में, और यहाँ पे दोनों टीम्स के रिकॉर्ड की बात करेंगे और यहाँ पे क्या कुछ प्लेइंग 11 में चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो प्लेइंग 11 थे अभी काफ़ी सारे स्क्वाड में चेंजेस आ चुके हैं। तो सारी चीज़ें फ्रेंड आपको यहाँ पे कवर करके यहाँ पे बढ़िया से आपको ड्रीम 11 की विनिंग टीम देने वाले। साथ के फ्रेंड बताएंगे आपको कहाँ पे आपको कितना इन्वेस्ट करना है जिससे आप लगातार विनिंग कर सकते हो। तो सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन फ्रेंड आपको इसी वीडियो में मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, अगर आप मेरे टेलीग्राम के चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ आ जाओ, टीम 11 प्रोडक्शन आपने सर्च कर लेना जाके टेलीग्राम पे, टीम 11 प्रोडक्शन सर्च करके जाके हमें जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि देखिए, ये फ्रेंड नया मैच है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और अगर हम अपने टीम्स में कोई चेंजेस करेंगे तो टॉस के बाद, मतलब जो अगर आप वीडियो देख रहे हो अभी, तो 6:30 पे कल के डेट में आपको जो टॉस होगा उसके बाद अगर कोई चेंजेस अगर टीम में करते हैं, जिसके चांसेस तो बहुत ही कम है, वो आपको यहाँ पे हम करके दे देंगे। तो फ्रेंड अभी क्या करना है आपको, आपको टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना। कैसे ज्वाइन करना है आपने? सो फ्रेंड, आपको यहाँ पे सर्च करना है टीम 11 प्रेडिक्शन। फ्रेंड आपको मेरा दोनों चैनल यहाँ पे दिख जाएगा, आप दोनों ज्वाइन कर लीजिए। खास तौर पे जो आपका मेन चैनल है टीम 11 प्रेडिक्शन का, जहाँ पे फ्रेंड आपको क्रिकेट से रिलेटेड सारे मैचेस मिलते हैं, चाहे वो वीडियो में बनाऊँ या ना बनाऊँ, आपको वहाँ पे हर मैच की टीम के साथ साथ विनिंग स्क्रीनशॉट के प्रूफ भी दिए जाते हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे ऐड हो जाओ अगर आपने बेहतर विन करने हैं तो। अगर आप लॉस में हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आप यहाँ पे अगर आ जाते हो तो आपकी लगातार विनिंग में करा सकता हूँ। चलिए फ्रेंड, इस मैच की डीप एनालिसिस करते हैं। तो कल ये गेम 1 सितंबर को 7 बजे खेले जाने वाला है शाम को, प्रेमादास स्टेडियम कोलंबो में, जहां पे पिछले तीन लगातार T20 गेम श्रीलंकन टीम हार चुकी है। और ये उनका फोर्थ गेम है जिसमें वो इस गेम में अगर हारते हैं तो उनके खुद के लिए एक रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने इस पिच पर लगातार 3 गेम नहीं हारे थे, ये पहली मरतबा हुआ है उनके साथ। ये पिच बैटिंग के लिए तो बहुत अच्छी है, यहाँ पे 170 से 180 कई बार 190 तक का स्कोर जाता है। अगर यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो संभवतः ये स्कोर टच जरूर होगा। और मेनली आपको पता ही है, स्पिनर्स को बहुत हेल्प करती है ये पिच, बहुत अच्छी पिच रहती है ये। और जहाँ भी अभी जो भी टीम यहाँ पे टॉस जीतेगी वो जरूर चेस करने की कोशिश करेगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। और फ्रेंड अगर बात करें दोनों टीम्स की, तो अभी लगभग पिछले 1 साल से काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रही है श्रीलंका की टीम, लेकिन ओल्ड रिकॉर्ड की अगर बात करें तो काफ़ी हद तक बराबर का रिकॉर्ड है। 16 गेम्स हुए हैं, 8 बारी न्यूजीलैंड और 6 बारी श्रीलंका टीम ने यहाँ पे जीता है, और 2 बार गेम्स के रिजल्ट नहीं आए हैं। लास्ट गेम जो खेला गया दोनों टीम्स के बीच में इसी साल 11 जनवरी को खेला गया था, 179 का स्कोर किया था न्यूजीलैंड की टीम ने, 144 पे ऑल आउट कर दिया था श्रीलंकन टीम को, इस गेम को लगभग 35 रन से जीत लिया था। यहाँ पे स्कॉट कुकलेन सबसे ज़्यादा रन बनाने प्लेयर थे, हालांकि एक बॉलर हैं लेकिन इन्होंने लोअर ऑर्डर में आके 15 गेंद में 35 रन की टावर तोड़ी इनिंग खेली थी। और ये प्लेयर स्पेशल है इस गेम के लिए, क्यों स्पेशल है उसकी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद टेलर ने 33 किया था, परेरा के 23 थे, मलिंगा के 2 विकेट, रजिता के 3 विकेट, फर्गुसन के 3 विकेट और इस तोड़ी के 3 विकेट। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, इनके ऊपर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, एट द एंड आपको यही प्लेयर्स आपको अच्छा विन कराने वाले हैं। सो फ्रेंड बता दें आपको, ये तो थे एक लास्ट गेम का स्टैट्स। अभी जो वार्म अप गेम अभी हुआ था लगभग 2-3 दिन पहले, वहाँ पे मनरो ने 48 किया है, टेलर के 41 रन थे, कुकलेगन ने वहाँ पे 4 विकेट लिए, टॉप ऑर्डर के सारे बैट्समैन को आउट किया, और इस सोडी ने मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन को आउट किया, दोनों ने मिलकर 7 विकेट निकाले थे। हालांकि टीम के वहाँ पे मेन बैट्समैन नहीं खेलता, बट फिर भी ये वो प्लेयर हैं स्कॉट कुकलेगन के मैं थोड़ा फोकस करके बताना चाहता हूँ, जो अगर बैटिंग के लिए ऊपर आते हैं तो श्रीलंका के खिलाफ एनी टाइम चलते ही चलते हैं, चाहे वो किसी तरीके का गेम हो। और कल भी आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन रहने वाला है, इस प्लेयर पे आप ध्यान रखिएगा, ये आपको अच्छा विन कराने वाला है, ये डिफरेंस क्रिएट करेगा आपके हेड टू हेड की टीम में, क्योंकि अपोनेंट के पास ये प्लेयर नहीं होगा। बात करते हैं श्रीलंका टीम की प्लेइंग 11 की। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है श्रीलंका टीम की प्लेइंग 11 पे, फिर भी मेरी एनालिसिस के हिसाब से जो मैंने प्लेइंग 11 निकाली है उसके हिसाब से फ्रेंड आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। सबसे पहले गुंथलिका, जो कि एक प्रॉपर ओपनर हैं इस टीम के, वो आपको टॉप ऑर्डर बैटिंग करते दिखेंगे, जो कि कभी कभार एक आध ओवर की बॉलिंग भी कर लेते हैं अगर कोई बॉलर एक्सपेंसिव जाता है तो। ये गुंथलिका के साथ ओपन कर सकते हैं। उसके बाद के पास 3 नंबर पे परेरा आएंगे, 4 पे आएंगे मेंडिस, या फिर 4 पे फर्नांडो को भी भेजा जा सकता है, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। अगर विकेट गिरता है तो वहाँ पर थोड़ा संभाल के खेलने वाला बैट्समैन चाहिए। कुशल मेंडिस थोड़ा रुक के खेलते हैं, एक मेच्योर बैट्समैन है, लेकिन फर्नांडो को अपने देखा है, वो पहली बॉल से हमेशा हिट करने की कोशिश करते हैं। अगर विकेट नहीं गिरता है स्टार्टिंग में तो बैटिंग के लिए फर्नांडो को जरूर प्रमोट किया जाएगा, और अगर विकेट गिरते हैं तो मुझे लगता है कुशल मेंडिस को बैटिंग के लिए प्रमोट किया, यहाँ पे 4 नंबर पर आना चाहिए। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, देखते हैं सामने वाली टीम जो है वो क्या सोचती है। तो टॉप 5 आपका यहाँ तक हो गया। उसके अलावा के पास सहनिन जयसूर्या है, ठीक ठाक प्लेयर है, ऑन पेपर का भी अच्छा प्लेयर है।
उसके बाद आपके पास यहाँ पे सुन सनाका है जो कि ठीक ठाक बॉलिंग कर लेते हैं, और बताते हैं आपको यहाँ पे इसरू डाना इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हो। विकेट टेकिंग प्लेयर हैं, T20 स्पेशलिस्ट हैं, बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं कई आधार। उसके बाद यहाँ पे बताते हैं आपको वैदु हसरंगा, अखिल धनंजय हैं, इसमें से कोई एक ही स्पिनर खेलेगा, धनंजय के चांस काफ़ी हाई है क्योंकि वो बैटिंग भी कर सकते हैं। देन आपके पास यहाँ पे इलेक्शन स्कंदन है जो कि श्योर शॉट खेलेंगे, और टीम के कैप्टन है मलिंगा, क्योंकि फ्रेंड अभी आप देख सकते हो कर्णारत्न स्क्वाड में नहीं है तो मलिंगा से यहाँ पे कैप्टनसी कराई जा रही है। ओडीआई में संन्यास लेने के बाद पहली मरतबा वो T20 में एज अ कैप्टन आपको दिखाई देने वाले हैं। तो देखिए बॉलिंग कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर है इस टीम का। यहाँ पे फास्ट बॉलिंग सेक्शन के लिए आपके पास रसून सनाका रहेंगे जो कि एक प्रॉपर बॉलर नहीं है बट ठीक ठाक ऑप्शन है, इनसे दो तीन बार टीम जरूर कराएगी बॉलिंग। इसरू डाना और मलिंगा इनके प्रॉपर बॉलर हैं, तो तीन सीमर हो गए। मुझे लगता है कोलंबो पे तीन सीमर आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा वो खिलाएंगे नहीं, मेरे को लगता नहीं है रजिथा या फिर नेहरू कुमारा को टीम मौका देगी जैसा कि मेरा अनुमान है। बाकी यहाँ पे सैनी जयसूर्या एक पार्ट टाइमर स्पिनर अच्छा ऑप्शन है, लक्ष्मण स्कंदन एक प्रॉपर स्पिनर है, और यहाँ पे अखिल धनी जाकर खेलते हैं तो ये भी प्रॉपर स्पिनर हैं, तो तीन स्पिनर हो गए। तो आई थिंक यहाँ पे टीम कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर बन चुका है इस टीम का, और कोई ऐसा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा इसके टीम में। बात करेंगे न्यूजीलैंड की टीम की, इनकी प्लेइंग 11 क्या होगी, क्योंकि अभी इन्होंने प्रैक्टिस गेम खेला है तो काफ़ी अनुमान हमने वहाँ से लगाया है प्लेइंग 11 का, जो कि काफ़ी तक सही होने चाहिए। गप्टिल जो है मंद्रोथ करेंगे ओपन, ये तो कन्फर्म है, मंद्रो थोड़े बेहतर फॉर्म में है, गप्टिल को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते, बहुत बड़े प्लेयर हैं, T20 खेले या वनडे खेले कहीं भी खेलें ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। कोशिश करिएगा गप्टिल को थोड़ा पॉइंट मैनेज करके लेने की, अगर आप ले पाइएगा तो ले लीजिएगा। सैफर्ट जो है रिसेंटली लगभग बात करें T20 के करियर जो इनका रहा है बहुत छोटा रहा है इंटरनेशनल में, लेकिन बहुत बेहतरीन रहा है, इस प्लेयर को टीम में होना ही चाहिए, जहाँ तक मेरा हिसाब है मैं इनको टीम में रखने वाला हूँ हेड टू हेड के लिए। आप भी कोशिश करिए कि सैफर्ट को टीम में रखिए, क्योंकि कैच के भी पॉइंट मिलते हैं और स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं, रिसेंटली एक बड़ी इनिंग खेल के आ रहे हैं। उसके बाद हैं रॉस चेदर, सबसे मेच्योर बैट्समैन, क्योंकि देखिए विलियमसन टीम में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो सारा दारमदार रॉस चेदर पे आ जाएगा, क्योंकि सामने मलिंगा होंगे, मलिंगा जैसा प्लेयर हमेशा गप्टिल जैसे बड़े बैट्समैन को परेशान करते हैं, मंद्रो को भी परेशान करेंगे, और सभी लोग इन्हीं दोनों प्लेयर्स को कैप्टन कैप्टन चूज करने वाले हैं। स्टार्टिंग के दो ओवर में विकेट अगर गिरता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सा प्लेयर आपको हेल्प करेगा, वो रहेंगे रॉस चेदर। वो स्पिनर्स भी अच्छा खेलते हैं, वो किसी भी तरह के सीमर्स को खेल सकते हैं, बहुत एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस प्लेयर है रॉस चेदर, आप ट्रेलर को कभी अंडरएस्टिमेट मत करिएगा, वाइस कैप्टन कैप्टन के लिए बहुत अच्छा चॉइस है। टॉम ब्रूस लेटली रिस्की हैं बट चांसेस हैं कि उनको खेलना चाहिए इस गेम में। कॉलिन डी ग्रैंडी होम बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर तरीके से आपको पॉइंट लाने वाले प्लेयर हैं। आपके पास यहाँ पे हैं मिचेल सैंटनर एज ए स्पिनर, ठीक ठाक ऑप्शन है। बेहतर ऑप्शन कौन से हैं, यहाँ पे हैं स्कॉट कोगलेन, इनको ट्राई करिए आप। टीम के कैप्टन यहाँ पे हैं टीम सऊदी, बिकॉज विलियमसन अभी स्क्वाड में पार्ट नहीं ले रहे हैं तो सऊदी इनके एज अ वाइस कैप्टन थे, अभी तो फिलहाल कैप्टनसी कर रहे हैं। लॉकी फर्गुसन बहुत अच्छा ऑप्शन है, इस सोडी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये बॉलिंग के लिए आपके पास कोगलेगन, फर्गुसन और इस सोडी तीनों बहुत अच्छा पिक रहेगा, आप तीनों को ट्राई कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे बैटिंग स्किल के लिए कोगलेगन को आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। आपके पास टीम सऊदी है बट टीम सऊदी का रिसेंट परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, चाहे वर्ल्ड कप देख लो, चाहे उसके पहले का फॉर्म देख लो, चाहे उसके बाद का फॉर्म देख लो, उतने बेहतर फॉर्म में नहीं दिखे हैं, बाकी लक पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। बात करते हैं फिर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की इस वीडियो के, तो जो चीज़ है यहाँ पे है श्रीलंका की, यहाँ पे सबसे पहले ट्रंप कार्ड, तो सबसे पहले कुशल परेरा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बाद रहेंगे कुशल मेंडी जो थोड़ा रुके खेलने वाले बैट्समैन हैं। देन आपके पास यहाँ पे है लासित मलिंगा जो कि जरूर विकेट निकालेंगे, 2 से 3 विकेट इनका लिखा है, आप इनको ले लीजिएगा टीम में। आपके पास लास्ट में है इसरू डाना, ये चार प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए। न्यूजीलैंड की तरफ बढ़ते हैं तो फ्रेंड ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, गप्टिल इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे मंद्रो है, कुगलेगन है और इसोडी। यहाँ पे मैंने रॉस चेदर को रखा नहीं क्योंकि रॉस चेदर इस मैच के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इसलिए आपको उनको बाय डिफॉल्ट टीम में पिक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड ये रहेगी मेरी पूरी एनालिसिस इस मैच की, अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को सबसे पहले 1000 लाइक एम है मेरा, इसको जरूर पूरा करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड इतना अगर आप कर दोगे तो मेरे लिए काफ़ी बेहतर रहेगा और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए सबसे पहले फ्रेंड बात करते हैं सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म की, जहाँ पर मैं खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ, सबसे ज़्यादा मेरा इन्वेस्टमेंट यहीं पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा लो है, आप हर गेम में अगर इन्वेस्ट करते हो तो अच्छा विन करोगे। मैं आपको थोड़ा यहाँ पे प्रूफ वगैरह दिखा देता हूँ, ग्लैमॉर्गन हैम के गेम में मैंने इन्वेस्ट किया था यहाँ पे। सो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बड़ी लीग खेली थी 1300 की, यहाँ पे मैंने बहुत इजी विन कर लिया था, बाकी दोनों गेम भी मेरे अच्छे रहे थे क्योंकि मैंने आपको सेम टीम दी थी, तो यहाँ पे टाई भी हो गया था एक आध गेम में। इसेक्स गेंग का मैंने यहाँ पे गेम खेला था, इस वाले गेम में भी मैंने फ्रेंड यहाँ पे अच्छा इन्वेस्ट किया था और यहाँ पे विनिंग आप देखोगे
तो फ्रेंड अगर आप बड़ी लीग देखोगे तो बड़ी लीग में आपकी अच्छी विनिंग यहाँ पे हो जाएगी, देख सकते हैं। यहाँ भी फ्रेंड मैंने 22 यूनिट का लीग ज्वाइन किया था और काफ़ी अच्छी विनिंग अगर आपको करनी है यहाँ पे कर सकते हो। कबड्डी में मेरी यहाँ बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, इस ऐप पे ओवरऑल मैं बहुत अच्छा इन्वेस्ट करता हूँ। इस गेम में भी मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी होने वाला है, तो आप यहाँ पे खेलना स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर दो, बिकॉज फ्रेंड हेड टू हेड के लिए इस वक्त सबसे बेहतर ऐप यही है। आपका बोनस बहुत सारा इस्तेमाल कराता है, बोनस के लिए आप होम पेज पे जाके बोनस का ऑफर चेक कर सकते हो। जो यहाँ पे मेरी टीम रहेगी, यहाँ पे मेरे पास विकेट कीपर कुशल परेरा है, बैट्समैन के लिए मंद्रो, मेंडिस, गुप्टिल, रॉस टेलर, अविष्का फर्नाल्डो, कॉल्डे ग्रैंडी होम, स्कॉट कोगलेगन, लॉकी फर्गुसन, इस थोड़ी लासित मलिंगा। कैप्टन मेरे रहेंगे परेरा, वाइस कैप्टन रहेंगे मंद्रो। इस ऐप पे खेलना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रेफर कोड सर्व डाल के खेलना स्टार्ट कर सकते हैं। बात करते हैं सुप्रीम मैंने आपके लिए यहाँ पे दो टीम्स बना रखी है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे टीम वन की। सो फ्रेंड सबसे पहले विकेट कीपर के सेक्शन में आपके पास है कुशल परेरा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। डिक विला भी ओपन कर सकते हैं इस गेम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट वो भी रहने वाले हैं। देन आपके पास है टिम सेफर्ड, तो ये तीनों के तीनों प्लेयर इंपॉर्टेंट है, मैं आपको तीनों को सजेस्ट करूंगा पिक करने के लिए। बात करेंगे बैट्समैन के सेक्शन में, आपके पास यहाँ पे हैं गप्टिल, मंद्रो, टेलर। अब यहाँ पे भी आप रिस्क ले नहीं सकते क्योंकि T20 का गेम है, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन आपके टीम में होने ही चाहिए। चार नंबर तक आपके पास गप्टिल या सेफर्ड आपके पास हो चुके हैं, तो टॉप फोर कवर हो गया है, 70% रन आपके यही चार प्लेयर बना देंगे, तो इनको आपको पिक कर लेना है। गुंथलिका भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप पॉइंट मैनेज कर सकते हो तो ले लीजिएगा। फर्नाल्डो इस वक्त सबसे अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा। मेंडिस आपके पास तब इंपॉर्टेंट रहेंगे जब टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा इस वक्त, तो आपको अगर मेंडिस को ट्राई करना है तो अपने रिस्क पे आप कर सकते हो। जयसूर्या खेलेंगे और ठीक ठाक ऑप्शन है, आप उनको ट्राई कर सकते हो। एज अ ऑलराउंडर खेलेंगे क्योंकि पार्ट टाइमर बॉलर भी अच्छे हैं और विकेट ले सकते हैं, ऐसे बॉलर विकेट निकालते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन के लिए उडाना, ग्रैंडी होम, शनाका, सेंटनर और उसके यहाँ पे हसरंगा तो थोड़े से रिस्की हैं, तो मेनली आपके पास ये चार ऑलराउंडर ऑप्शन है। अगर आपको किसी भी ऑप्शन को पिक करना है तो विकेट कीपर से डिक विला को निकालिए और यहाँ पे अपने चहेते प्लेयर को पिक करें, जिसमें से उड़ाना एक इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकते हैं। ग्रैंडी होम भी ठीक ठाक ऑप्शन है। सेंटनर या फिर सनाका वो आपकी चॉइस रहेगी, मैंने सेंटनर को रखा है, आप सनाका को ट्राई कर सकते हो, वो भी अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी बात करेंगे बॉलिंग की, तो बॉलिंग के लिए आपके पास यहाँ पे मलिंगा है, मलिंगा को ट्राई करिए आप, आपके पास अच्छे ऑप्शन रहेंगे। ये सऊदी भी ठीक ठाक ऑप्शन है, बट सऊदी से बेटर है कि आप फर्गुसन को ट्राई करो, पॉइंट अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप इनके साथ जा सकते हो। धनंजय के चांस काफ़ी हाई है खेलने के, इनको ट्राई कर सकते हैं, थोड़े से रिस्की हैं, बट सोडी की परफॉर्मेंस प्रैक्टिस गेम में बहुत अच्छी रही है, पिच काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा ऐसे बॉलर्स को, तो इनको आपने ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। देन आपके पास फ्रेंड यहाँ पे लक्षण स्कंदन है, श्योर शॉट प्लेयर खेलने वाला है, इसको भी ट्राई कर सकते हैं। देन आपके पास लास्ट में है स्कॉट कोगलेगन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसको तो आपको पिक करना ही करना है टीम में। देन फ्रेंड अगर मैं टीम की बात करूँ तो टीम मैंने क्या बनाई, विकेट कीपर में डिक विला, परेरा, सेफर्ट, बैट्समैन के लिए फर्नाल्डो, गप्टिल, मंद्रो, टेलर, ऑलराउंडर्स के लिए सेंटनर और बॉलिंग के लिए यहाँ पे रखा है मलिंगा, कुगलेगन और यहाँ पे रखा है इसोडी को। देखिए मैंने रिस्क लिया है यहाँ पे, अगर आपको फर्गुसन को ट्राई करना हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास हैं सबसे पहले ग्रैंडी होम और दूसरे आपके पास ऑप्शन है इसे उड़ाना। बस फ्रेंड मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आप थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन हेड टू हेड में मैं इसी गेम से कंटिन्यू करूँगा और इन्वेस्टमेंट करूँगा। कैप्टन मेरे परेरा है, रॉस टेलर मेरे वाइस कैप्टन रहेंगे, तो मेरी टीम वन ये रहेगी। सो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बल्लेबाजी की। तो फ्रेंड बल्लेबाजी पर अगर अब तक आपने साइनअप नहीं किया तो प्लीज़ साइनअप कर लीजिए, बिकॉज इस ऐप पे आपकी विनिंग के चांस बहुत अच्छे हैं। इस ऐप पे आप अच्छा विन कर सकते हो, कैसे कर सकते हो अगर। सो फ्रेंड इसमें सबसे पहले बताऊँ आपको, यहाँ पे क्लासिक में आप सबसे पहले यहाँ पे 9 टीम्स यहाँ पे एंटर कर सकते हो। पहला गेम है, काफ़ी कम लोगों को इन्फॉर्मेशन है अच्छे प्लेयर्स की, आप कोगलेगन जैसे प्लेयर को यहाँ पे कैप्टन बना के ग्रैंड लीग खेल सकते हो, ग्रैंड लीग आप यहाँ पे विन कर सकते हो बहुत आसानी से, क्योंकि मैं यहाँ पे अच्छे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आप भी करना चाहिए आपको यहाँ पे। बाकी यहाँ पे बैटिंग बॉलिंग लीग होती है, यहाँ पे आपको 5 बैट्समैन 5 बॉलर लेने होते हैं, यहाँ से भी मेरी बहुत अच्छी अर्निंग होती है। फिलहाल मैंने टीम बनाई क्लासिक के लिए, वहाँ मेरे विकेट कीपर हैं यहाँ पे परेरा, बैट्समैन के लिए टेलर, गप्टिल, मंद्रो, फर्नाल्डो, बॉलिंग के लिए सोडी, कोगलेगन, फर्गुसन, मलिंगा और ऑलराउंडर सेक्शन में धुसुन सनाका और मिचेल सैंटनर। आपको कहीं भी चेंज करने की इच्छा हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। फिलहाल ये हो गई मेरे यहाँ पे क्लासिक की टीम। बैटिंग की जो मेरी टीम है यहाँ पे उसकी बात करेंगे, तो बैटिंग के लिए मेरे पास यहाँ पे कुशल परेरा, टीम सेफर्ट, मंद्रो, मेंडिस, फर्नाल्डो है, कैप्टन मेरे यहाँ पे मंद्रो है, वाइस कैप्टन यहाँ पे फर्नाल्डो है। आपको यहाँ भी अगर कोई चेंज करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। बॉलिंग में थोड़ा सा अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे विन करना थोड़ा ईजी होता है रिलेटिवली। यहाँ पे मेरे पास मलिंगा, इसोडी, कुगलेगन, फर्गुसन, उड़ाना, वाइस कैप्टन मैंने कुगलेगन को रखा है, आप फर्गुसन को ट्राई कर सकते हो, लेकिन मलिंगा सेफ सिक्योर ऑप्शन आपके पास है क्योंकि विकेट टेकिंग ऑप्शन है, आप इनको ट्राई करो एज अ कैप्टन। तो ये रहेगी फ्रेंड मेरी बल्लेबाजी की टीम, होप करता हूँ आप इस टीम से कंटिन्यू करोगे। बहुत अच्छी विन करने की यहाँ पे टेक्निक आपको मैंने बताई है। बैटिंग बॉलिंग लीग में अगर इन्वेस्ट करते हो आप हमेशा प्लस में रहोगे, ये मेरा मानना है।
आगे बढ़ते हैं ग्रैंड लीग की जो टीम है ड्रीम इलेवन की बात करेंगे। फ्रेंड आगे बढ़ने से प्लीज़ पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और एम पूरा करने में प्लीज़ हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। तो सेकेंड जो टीम है जो ग्रैंड लीग की मेनली टीम रहती है उसमें पास विकेट कीपर में परेरा और सैफल्ट है। मैंने यहाँ पे टिकविला पे रिस्क लिया है, बाकी बैट्समैन के सेक्शन में यहाँ पे मेरे पास है फर्नाल्डो, मेंडिस, उसके यहाँ पे हैं मनरो और गप्टिल, सॉरी टेलर। उसके राउंडर सेक्शन के लिए उडाना ग्रैंडी होम, बॉलिंग के लिए यहाँ पे मलिंगा, फगूशन और स्कॉट कॉगलिगन। कैप्टन मेरे मनरो हैं, वाइस कैप्टन स्कॉट कॉगलिगन। ये टीम जरूर वर्क करेगी क्योंकि यहाँ पे न्यूजीलैंड टीम डोमिनेट करने वाली है, मनरो टॉप ऑर्डर बैटिंग करने वाले हैं, तो काफ़ी हद तक इस टीम से अच्छा विन कर सकते हो। आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो कॉगलिगन को कैप्टन भी कर सकते हो। तो फ्रेंड ये मेरी टीम रहेगी, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा लास्ट मिनट के अपडेट के लिए। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।